आज हम बनाने जा रहे हैं बनाना वॉलनट केक। इस केक के लिए हमें चाहिए हाफ कप ऑयल, 250 ग्राम मैदा। इस मैदे में हम 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर मिलाएंगे। जितना मैदा है उतना ही शुगर, शुगर को हमने हल्का सा पीस लिया है, ये 250 ग्राम्स ये भी है। 3 अंडे, करीब 50 से 60 ग्राम वॉलनट, ये क्रश्ड हो हाथ से कर लो या मिक्सी में कर लो, और 2 केले। ये हमारा बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। अब केक के लिए सबसे पहले हम इसमें हमारा हाफ कप ऑयल है वो लेते हैं, करीब करीब 60 ml होता है ये, और इसमें डालते हैं हम 3 अंडे। इसको हल्का सा फेंट लेते हैं और इसमें डालते हैं जो हम हमारे 2 केले थे उसको हमने मिक्सी में मैश कर लिया है। और इसमें फिर डालेंगे चीनी। अब इसमें हम धीरे धीरे करके अपना मैदा डालेंगे, जिसमें पहले से ही हमने 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर मिला दिया है। बीच बीच में आपको थोड़े केले के लम्ब्स दिखते हैं, विच इज़ गुड, क्योंकि जब आप केक खाओगे तो उसमें यू कैन फील द बाइट ऑफ बनाना। अब इसमें हम अपना वॉलनट को, जिसको हमने हल्का सा हाथ से क्रश कर लिया है, एक बार मिला लेते हैं। और हमारा बेकिंग डिश में, जिसमें पहले से हमने थोड़ा सा ऑयल लगा के और हल्का सा मैदा छीक दिया है, उसमें इसको पोर कर देंगे। अभी हमारा बैटर इसमें चला गया है। अब इसमें हम हल्का सा ऐसे डेकोरेशन के लिए ऊपर से वॉलनट्स डाल देते हैं। अब इसको हम ओवन में 200 डिग्री पे अबाउट 30 to 35 मिनट्स, वो तो देखना पड़ेगा कब आपका ये ड्राई हो जाता है, वो हम निटिंग नीडल डाल के या कुछ करके देख लेते हैं। अब हम इसको ओवन में डाल के 200 पे सेट करके इसको, अभी मैं इसको 35 पे कर रही हूँ, फिर मैं देखूँगी, अगर नहीं हुआ होगा तो 5 या 10 मिनट्स इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इट्स 35 मिनट्स।